चलेगा, गुरुजी ने हमको यह पढ़ाया नहीं। गुरुजी दो तरह के होते हैं, फलाना लड़के को ठीक से पढ़ाते हैं, हम लोग कुछ पूछते हैं तो डांट देते हैं। सुना है कि नहीं ऐसा बात? हम लोग भी सुनते थे, हम लोग जब पूछते हैं तो डांट देते हैं। फलाना लड़का को प्रेम से पढ़ाते हैं, वह कुछ भी गलती करेगा तो उसका दोष नहीं कहेंगे, हम लोग कुछ भी कर देंगे तो दोष कर देते हैं। प्रत्येक गधा लड़का का यह इतिहास होता है। हम लोग सदगुरी में भी सुनते हैं ये बात, ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह अपनी कमी कैसे छिपाएगा, अपनी कमी कि नहीं हम पढ़ने में गधा है। क्योंकि जो लड़का तेज रहेगा, एक बार पढ़ने पर समझा देगा और वो हर बात में गुरुजी के आगे अगर रहता है, कैसे बिगड़ेगा? उस पर टास्क ले या फर्स्ट क्लास में टास्क भी ले तो कैसे बिगड़ेगा? उससे प्रेम तो करेगा, स्वतः प्रेम होगा, हो जाएगा ना प्रेम। तेज लड़के से किसी तरह से प्रेम हो जाएगा। आज 10 बार समझाता है, समझ भी नहीं रहा है, टास्क भी पूरा करके नहीं ला रहा है, अपने काम पर टाइम पर प्रॉम्प्ट भी नहीं है, फिर कह रहा है कि नहीं उसको नहीं बिगड़ते हम बिगड़ते हैं। द्वैत भाव आ गई, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, हीन भावनता से तू ग्रसित हो गया। और यही हीन भावना आदमी को वह मन में लाता है, मन बुद्धि में लाती है, बुद्धि धीरे 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 उसको जो है इतनी पॉइजनस भर देती है, वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ जाता, बढ़ पाता है। और वही बुद्धिहीन भावना लेकर के बुद्धि से भी जो सूक्ष्म हो जाएगा और प्यूरिफाइड हो जाएगा और सूक्ष्म हो जाएगा, गहनतम बैठ जाएगा, वही अहंकार कहलाता है। अब समझ गया, अहंकार गहनतम अहंकार है। और यह अहंकार इतना गहनतम है, वह व्यक्ति जब तक से वह अहंकार उसे विसर्जित नहीं होता है, तब तक से उस आदमी कुछ मिलता नहीं है। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम माता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं 8 अंतिम अहंकार। अहंकार दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ऋषभ देव का नाम सुना है? जो श्रीमद् भागवत में ऋषभ की कथा आई है, ऋषभ देव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भी है। ऋषभ देव के 100 लड़के थे, तुम लोग तो एक दो लड़का में बहुत परेशान हो जाता है। ऋषभ देव के 100 लड़के थे, ऋषभ देव संन्यास ले लिए, ऋषभ देव के लड़के भी संन्यास लेने लगे। जो अब करेगा वही अनुकरण करेगा लड़का। क्या जी वीरेंद्र? वीरेंद्र कहे कि हम मिलिट्री में है, शराब हम गुरु जी मिलता है पिएंगे। तो लड़का भी कहे गुरु जी हम पी लें। तो अनुकरण करता है जाने और अनजाने। ऋषभ देव के लड़के संन्यास लेने लगे, लेकिन बाहुबली बड़ा लड़का था। जैनियों में जैन का तीर्थंकर पहला ऋषभ देव है, दूसरा महाबाहुबली ही है। बाहुबली इसलिए नाम रखा गया है कि वह बहुत विशाल शरीर था। कहीं आपको जैनियों के मंदिर में देखा होगा, बाहुबली सब तीर्थंकरों से भयंकर उनका शरीर रखा गया है, भयंकर बाहुबली। समधव ऋषभ और बाहुबली का जन्म अयोध्या में हुआ था। 24 तीर्थंकर और 22 तीर्थंकरों का जन्म शेष बिहार में हुआ था। ऋषभ देव जब लड़के संन्यास ले लिए छोटे, तो बाहुबली कहा कि हम संन्यास कैसे लें, हम नहीं ले सकते। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि हमारे छोटे भाई जो संन्यास ले लिए हैं, तो उस संन्यास में तो बड़े हो गए ना, तो उनको तो मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। अब आप लोग समझ जाना, तुम लोग जानता है कि हम बूढ़े हैं, अब संन्यास लिए हैं, कि बुढ़ापा में हमको कदर मिलेगी नहीं। जो 5 साल का लड़का है, यदि पहले संन्यास ले लिया है, वह श्रेष्ठ माना जाता है, वह सीनियर हो गया। जैसे कि IAS जिस क्षण आपको मिलता है, उस समय सीनियरिटी की काउंट होती है। IAS ही नहीं, किसी भी नौकरी में जिस दिन तू प्रवेश कर गया, उस दिन से आप सीनियरिटी मानी जाती है। और आप बाद में कितना उम्र वाला आया, उससे आप जूनियर हो जाएगा ना। यह संन्यास में भी है, लेकिन आप लोग कहते कि नहीं, हम लोग ज्यादा उम्र के आए हैं गुरु जी, हम सीनियर हो जाएंगे। यह नहीं है, यदि आपकी पत्नी पहले एक दिन संन्यास ले ली तो सीनियर हो जाएगी, इसलिए उसको प्रणाम करना पड़ेगा।
सोच रहा है कि हमारे छोटे भाई सन्यास ले लिए हैं, मैं बाद में सन्यास लूंगा तो मुझे प्रणाम करना पड़ेगा ना? मैं नहीं। बाहुबली सन्यास से भाग गया, लेकिन कहा मैं तब तक करूंगा बिना गुरु का करूंगा, क्यों अपनी शब्द से लू पिताजी से, फिर उनका जूनियर हो जाऊंगा। और बाहुबली सचमुच में बाहुबली था, और वो हट करके जाकर जंगल में घोर तपस्या। देखो, जो आदमी जितना बड़ा अहंकारी रहेगा उतना बड़ा जिद्दी होगा, उतना बड़ा तपस्वी, आप समझना। जाकर एक पर खड़ा हो गया, खड़ा जाकर बिना खाए पिए कहीं बैठ गया, बैठ गया। वो जिद्दी अहंकार, अहंकार की तरह बाहुबली जब घोर तपस्या में बैठ गया, पूरी सृष्टि चकमक डगमक डगमक करने लगी। गजब, तो बाहुबली बैठ गया, टस मस नहीं हो रहा, एक खड़ा हो गया एक पैर पे। एक तो लंबा शरीर, मजबूत शरीर, मोटा ताजा शरीर, और एक पैर पर खड़ा हो गया, ना टस हो रहा है ना मस। सब लोग हड़बड़ा गए, पूरे जगत में नाम हो गया, जितने लोग ऋषभ देव को नहीं जाने उसे जाते राम महा बाहुबली का हो गया। क्योंकि तू आप तो बाहर देख रहे हो, ऋषभ देव इतना बड़ा तपस्या किया कि जो लतर आसपास बेल नहीं था, बेल उसके शरीर पर चढ़ गया और वह सब बेल से ढक गया, उस पर फूलने लगी, फलने लगा। बेल से कोई सब्जी उब्जी बो दिया होगा तो भी फलता फूलता होगा, लेकिन वो टस छिल नहीं रहा। कान बहुत बड़ा बड़ा था ना, हाँ हाँ कान बड़ा था, कान में पक्षियां सब जाकर घोंसला बना ली, अंडा खान बड़ा सुरक्षित है, हिल। नाक में जाकर के कुछ जो है पक्षियां रहने लगी, कुछ कान में रहने लगी, निवास बना ली। थाने तपस्वी, लेकिन शरीर मिला नहीं, यह अहंकार। जब ऋषभ देव के पता चला, बात चला, ऋषभ की लड़की कही, ऋषभ की लड़की भी संन्यास नहीं हो गई, तुम लोग तो अपना एक लड़का नहीं बना रहा। ऋषभ की लड़की कही, गुरुदेव भैया बड़ा घोर तप कर रहे हैं, ऋषभ हंसा, लेकिन पाया है कुछ नहीं। कहा कुछ नहीं पाया, तब क्या होगा, क्या करें, अहंकार में है ये, अहंकार से हट नहीं रहा। कहा कि आप देख रहे हैं प्रभु, कहा पगले, सृष्टि भी कहीं छिपी रहती है, कपड़े से तो शरीर ढक लेगा, एक्सरे से भी ढक सकता है। कहा कि हमारे आंख से भी सृष्टि छिप जाएगी। ऋषभ को मैं देख रहा, ऋषभ कहा कि मैं देख रहा, बाहुबली पाया कुछ। कहा सिद्धियां तो ले लिया, कहा कि सिद्धियां ये थी आठ की ना, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं आठ, कबीर साहब कहे ना, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, जस जस चिन्ह कौआ बड़ा, बहुत सिद्ध होकर के तू आकाश में उड़ने लगा। कहा क्या हुआ, कौआ कौआ चिन्ह भी उड़ रहा। कबीर साहब बड़ा टंट किए, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, जस कौआ बन गया, चिन्ह बन गया, कौआ वो चिन्ह आकाश में उड़ता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, चिन्ह की ध्यान पूरा का पूरा रहता है मरे हुए जानवर, मरे हुए आदमी। कौआ का ध्यान रहता है मरे हुए पर या विष्टा, ध्यान तो उसका वही है ना, आकाश में उड़ लो, क्या अंतर पड़ रहा है। अब ऋषभ ने कहा अपने लड़की से, तुम जाओ बेटी, तुम जाओ उसे कुछ बता दो। छोटी बहन गई, ऋषभ देखा आंख बंद कर दिया। छोटी तो है लेकिन हमको प्रणाम करेगी नहीं, सन्यास भले लिया है ना, बड़ी तो ही है ना, मैं करूंगा नहीं। देखो यह अहंकार रहता है, बड़ा तो मैं हूं ना, ये करेगी नहीं, मैं करूंगा नहीं, आंख क्यों खोलूं, ये सब आंख नहीं। उनके बाहर उनके चारों तरफ परिक्रमा कर घूमे, देखिए ये
ये दिन लतर चढ़ गया है, पक्षियां सब इसमें आ रहे हैं, कान से जा रहे हैं, एकदम निश्चल खड़े हैं। तब एक उक्ति सोची कि चढ़ा है भैया हाथी पर, उतर आओ जरा नीचे, तब मैं देखाऊं तुझे इस सृष्टि का खेल। बड़ा राग में इस गीत को गाई कि चढ़ा है हाथी पर भैया, जरा नीचे तो आओ तब मैं देखूं। लगा छटका एक मिनट में और खट नीचे उतर आया और तत्क्षण भक्त को प्राप्त। छोटी बहन के सष्टांग प्रणाम कर कहा कि तू मेरी गुरु, पिता गुरु नहीं हुआ, छोटी बहन बने, या तुम्हारा अहंकार ले गया ना, कहा तू मेरी गुरु। इतने वर्षों से मैं खड़ा था, कहा कि बस हाथी पे चढ़ा था भैया ना, अहंकार हाथी जो दिखाई नहीं पड़ती है। कवि साहब भी इस हाथी के बारे में प्रणाम किए हैं, मूस मिला एक साथ कहूं कैसे को रह जाए, अचरज देखो संतो सिंह ही हंसती ही सिंह खाए। कहे ना, मूस मिला एक साथ कहूं कैसे को रह जाए, इसके बाद कहते हैं अचरज देखो संतो, संत से कहते हैं अचरज देखो संतो हंसती सिंह ही खाए, हाथी सिंह को खा रहे। एक साथ रहेगी, एक बनारस का सुने हैं, बनारस राजा का एक बहुत बड़ा पहलवान था, अंतरराष्ट्रीय पहलवान था, और उसको अंतरराष्ट्रीय पहलवान बनारस राज बनता था। दो चार दिन वह नहीं गया, राजा बड़ा चिंतित हुए, भेजे क्यों नहीं पहलवान आया, बुलाया गया, कहा सरकार क्या करे, हमारे बीट पर बिस्तर पर एक चूहा बैठ गया, हट नहीं। चूहा बैठ गया नहीं हट रहा, अंतरराष्ट्रीय पहलवान की स्थिति हो गई। क्या किया, कहा घुर्राता है, मैं भाग चला। कहा बिल्ली ले गया, कहा कि गांव भर की बिल्लियों को ले गया, कटेसर हो गया, सारे बिल्लियों को मैं जुटा कर ले गया, तब साली बिल्लियों को डांटता हूं भाग चलते हैं सब, कोई प्रवेश नहीं कर रहा, इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूं, हमारे घर में जाने की जगह नहीं मिल रहा। अच्छा, कहा आस पास के सारे बिल्ली भाग चले हैं महाराज, बड़ा परेशान। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और चूहा, कहा कि काम करो जो राजा राज दरबार की बिल्ली है उसको ले जाओ। राज दरबार की बिल्ली को ले गया, उसको छोड़ा, जब ले गया तो आस पास के सारे बिल्ली स्वागत में आए, राजा की बिल्ली आया है ना, आस पास के सारे बिल्ली आए, मीटिंग किए, स्वागत किए, कहे कहाँ आ रहे हो, उसमें मत जाना, वो चूहा बड़ा खतरनाक है, मारता है जबड़। अच्छा मुझे जाने दे, तो अंदर गया नहीं निकला, सारे चूहा स्ट्राइक कर दिए, हंगर स्ट्राइक, तो हमारे राजा की बिल्ली को मरवा दिया ना, मरवा दिया ना, हमला हुआ, निकला नहीं। वह पहलवान जो था जंगला से झांक कर देखा, देखा तो वह बेड पर बैठ करके आराम से उस चूहे को खा रहा, तो कहाँ कह रही देख, तो बड़ा गजब हुआ, सारे चूहा की वाणी खुला दौड़ कर गए, देख रहा पलंग पर खा रहा, कहा कह रही तो कैसे खाया है, हम तो समझे कि तुमको मार दिया। कहा कि अच्छा, तुम में हम में अंतर यही है, बहुत बड़ा मूली और गाजर हो जाएगा तो क्या यह पहलवान डर जाएगा, तुम लोग यह भूल गया अपना स्वभाव कि तुम बिल्ली हो या चूहा हो, तू चूहे को स्वभाव से भी चूहा हो गया, चूहा तो निरंतर काटता है, मन भी काटता है, मन भी काटता है, मन भी चूहा का ही काम करता है, और उतर उतर कर तरफ कर कर करके हम इतना काट देता है कि हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं और आत्मा को भी नहीं प्राप्त करते हैं, आत्मा रूपी बिल्ली ही कमजोर हो जाती है, आत्मा ही बिल्ली है, एक बार हुक दे आत्मा तो चूहा, लेकिन मन रूपी चूहा जो है इतना काटता है, तर्क करेगा, काटते रहेगा, हर बात में अपनी बात सिद्ध करेगा। इसलिए कवि साहब कहें कि बताओ मूस मिला एक साथ रहेगा, आत्मा बिल्ली कितनी सता छोटी पर आ जाती है,
फिर कहते हैं अगर देखो संतो हस्ती सिंह नहीं खा, इसने भी देखो ना एक हाथी सिंह को खा रही है। हाथी बड़ा होती है, सिंह छोटा होता है, लेकिन एक बार यदि सिंह गरज दे तो हाथी का हार्ट फेल कर जाएगा ना। उसी तरह से उस मन से भी बड़ा हो जाता है सूक्ष्म, जो कहे हैं लास्ट में कबीर साहब थे कृष्ण भगवान अहंकार। यहाँ भी कबीर साहब इंगित कर रहे हैं, यह मूस तो चूहा तो कह दिए, मूस तो कह दिया मन को, और अहंकार यहाँ अहंकार को हाथी कह रहे हैं। यह अहंकार हाथी इतना विशाल आपके यहाँ अंदर में हो गया है कि एक बार आत्मा जो है आपकी आत्मा रूपी शेर है जोड़ा से गुर्रा था, तो यह अहंकार जो है सदा के लिए तरसाई हो जाता, हाथी सदा की तरसाई हो जाती, या उसी पर चढ़ करके वह जो है शेर अपना यात्रा भी कर लेता इस सृष्टि का, तब तुम जो है अपने आत्म परमात्मा में भी मिल जाता, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, हाथी आपको परेशान किया। इस बात को कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इस तरह से कबीर साहब भी कहे हैं, लेकिन आपको उसको ठीक से कहते हैं कबीर दास के उल्टा वाणी कहकर निकल जाता है। यह संसार आठ ही संसार है जो दिखाई पड़ता है अपरा है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है परा है, जो रहस्य में है वही ईश्वर। स्वामी श्री की अनमोल कृतियां, कुंडलिनी जागरण, शिव नेत्र, लोक परलोक, रहस्यमय लोक, मेरे राम, स्वर से समाधि, शिव तंत्र, एक ओंकार, हनुमान चालीसा भाष्य, ज्ञान गुदरी भाष्य, गीता ज्ञान मंदाकिनी, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सद्गुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक दैविक भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 09868888 6830